हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पहुंच गए हैं जैसलमेर के सैम सैंड ड्यून्स। इंडिया में अगर आप रेगिस्तान का मजा लेना चाहते हो तो जैसलमेर के सैम सैंड ड्यून्स जरूर जाना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। यहाँ हमारा तिलक लगा के वेलकम किया गया। हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, फटाफट हमने लगेज कैंप में रखा और हम लोग निकल पड़े जीप सफारी के लिए। डेजर्ट सफारी के लिए हमने बुकिंग कराई थी कैंप से ही, और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था जब गाड़ी का स्पीड बढ़ता था, खुद को बैलेंस कर पाना, ऊपर से हाथ में कैमरा, दोनों जैसे तैसे खुद को एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोबारा से मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। फिर हमने ऊँट की सफारी की। ये छोटा बच्चा देख रहा है, ये हम लोगों को घुमाया। काफ़ी डर लग रहा था, हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, बट जैसे तैसे हम लोग बैठ गए थे। हमने ऊँट की सफारी की, चारों तरफ बालू ही बालू। हमने बुक में देखी थी, मूवी में देखी थी, बट बुक में और खुद सामने से देखने में दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऊपर से मौसम तो पूछो मत, इतना अच्छा हो रखा था। फिर हम लोग निकल गए कैंप की तरफ। ये हस्बैंड बोल रहा है कैमरा नीचे रखो बट काफ़ी मज़ा आ रहा था, मैंने जितना हो सका वीडियो बना लिया। ये शाम के लिए कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होगा, इसकी प्रिपरेशन चल रही है। ये शाम के 7 बजे से स्टार्ट हो गया था प्रोग्राम। गौर से देखिए, आपके सामने स्टील की परात पर 7 मटकों का बैलेंस बनाकर नंगे पाओ नृत्य करने जा रहे हैं हमारे फेमस डांसर। उदले बादली रो पानी सैया कुण ने बने, ओ मेरी बनो मारी सेलो बने। उदले बादली रो पानी सैया कुण ने बने। गौर से देखिए, स्टील की परात और नंगे प्याओ 7 मटकों का बैलेंस बनाकर नृत्य करने जा रहे हैं। चढ़े बादलियो पानी सैया कुनी ने भरे, ओ मेरी बनो भरी। देखिए, 7 मटकों का बैलेंस बनाकर नंगे पाओ स्टील की गिलास तैयार करने के लिए करने जा रहे हैं। आयो देख के डाल डाल गे मारो हम काफ़ी लेट नाइट तक चली। हम लोग बीच में ही निकल गए थे, नेक्स्ट डे हम लोग को उदयपुर निकलना था, इसलिए हम लोग डिनर करने निकल गए थे। ये वहीं व्यवस्था थी कैंप में। ये कुछ क्लिप है जैसलमेर फोर्ट की। जब हम लोग जैसलमेर पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ जैसलमेर फोर्ट देखने आए थे, बट बैक टू बैक ट्रैवल करने की वजह से मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, हिम्मत नहीं हुई पूरा घूमने की, तो थोड़ा बहुत मैंने क्लिप ली, वो मैं डाल दी हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। ये कुछ पिक है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।